हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट थर्ड। आज की अपनी क्लास है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की बहुत सारी प्रॉपर्टी को हम उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, उनका मैग्नेटिक बिहेवियर जानकर समझा सकते हैं, जैसे कि उनके बीच में बॉन्डिंग, उनकी ज्योमेट्री आदि। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर जो इनमें है वो कहाँ से आता है, मैग्नेटिक बिहेवियर से हमारा क्या अर्थ है? हम जानते हैं कि जब किसी तार की कुंडली में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उससे संबंधित एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जैसा कि क्लासिकल मॉडल ऑफ एटम, एटमिक स्ट्रक्चर का जो क्लासिकल मॉडल है वो क्या कहता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भ्रमण करते हैं। तो इस तार की कुंडली वाली जो स्थिति है, इसकी तुलना हम इलेक्ट्रॉन की मोशन से कर सकते हैं। जब कोई आवेशित पार्टिकल गति करता है तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एक आवेशित पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के चारों ओर गति करता है, जिसकी वजह से वो जो है एक टिन्नी मैग्नेट की भांति व्यवहार करता है, एक सूक्ष्म चुंबक की भांति व्यवहार करता है। अब इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो दो प्रकार की होती है, एक तो ये अपने ही एक्सिस पर स्पिन करता है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, उसे हम ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन की स्पिन के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसे हम स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर कितने प्रकार का होता है। बेसिकली ये दो प्रकार का है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पहले हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की। वे सब्सटेंस जो कम से कम एक या अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखते हैं, या जिनमें मैं कहूँ कि कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, ज़्यादा भी हो, वे जो है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का क्या मतलब है? ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, यानी कि ये अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएँ जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के कारण थी वो अधिक से अधिक इनमें से होकर गुजरे। अब ऐसा इसमें क्यों होता है? क्योंकि जब चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाया हुआ होता है, तब जो इनके जो छोटे छोटे वो चुंबकीय क्षेत्र इनकी इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो रैंडमली होता है। किसी की डायरेक्शन किस दिशा में होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है सबकी, लेकिन जैसे ही इनको चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है तो ये सारे के सारे जो डोमेन्स हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही व्यवस्थित हो जाते हैं, यानी उसकी सेम दिशा में। इसलिए इनके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक हो जाता है, या मैं कहूँ कि ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। अब हम बात करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो हैं वो क्या करते हैं कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रिपेल होते हैं, यानी प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यानी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल की हम बात करें
तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो दोनों की दिशा विपरीत होगी, क्योंकि पेयर्ड है। हम जानते हैं कि स्पिन इनकी विपरीत स्पिन होती है, एक क्लॉकवाइज स्पिन है तो दूसरे की एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो एक दूसरे से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को कैंसिल आउट कर देते हैं और इस वजह से इनका जो नेट चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाता है। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके जो डोमेन्स हैं वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में व्यवस्थित हो जाते हैं और इस वजह से ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटाइजेशन की। जब किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, जो सब्सटेंस में से गुजरने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र से किस प्रकार संबंधित होती है वो दिए गए फॉर्मूले में को ध्यान से देखिए। बी इज इक्वल टू एच प्लस 4πI, जहाँ बी है मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी विद इन सब्सटेंस, सब्सटेंस के अंदर कितनी लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की कितनी लाइंस इसके अंदर है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। एच है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, या मैं कहूँ जो अप्लाइड फील्ड लगाया है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको बता रहा है। 4πI, आई यहाँ क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यानी एक्सटर्नल फील्ड लगाने से उस सब्सटेंस पर क्या फ़र्क पड़ा है, कितना मैग्नेटाइजेशन उसमें उत्पन्न हुआ है, चाहे वो पैरेलल वाला हो चाहे ऑपोजिट वाला हो। अब इस इक्वेशन को हम एच से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा बी अपॉन एच 1 प्लस 4πI/H। तो यहाँ बी अपॉन एच जो है वो एक नई क्वांटिटी मिली है अपने को, जिसे हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कह सकते हैं, यानी ये सब्सटेंस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना है मैग्नेटिक बाय मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद, और बाय मैग्नेटिक फील्ड जो एच अपने लगाया उन दोनों का रेशियो है। आई अपॉन एच एक नई टर्म आ गई यहाँ पे, जिसे हम कहते हैं वॉल्यूम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, आयतन चुंबकीय परवर्ती। अब यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाते हैं हम कि जब K की वैल्यू 0 होती है तो म्यू की वैल्यू 1 होगी, B और H बराबर होंगे। इसका मतलब होगा कि वो ना तो मैग्नेटिक फील्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस पर, वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अगर K की वैल्यू 0 से छोटी है यानी नेगेटिव है तो B की वैल्यू H से बड़ी होगी, H की वैल्यू B से बड़ी होगी, तब हम कहेंगे कि वो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक है, यानी B विद इन द सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स H से कम है, कम होने का मतलब वो रिपेल वाली कंडीशन आ गई, तो ऐसे सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होते हैं। जब K की वैल्यू 0 से बड़ी है तो हम जानते हैं कि B की वैल्यू H से ज़्यादा होगी, अब अंदर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स है वो अप्लाइड से भी ज़्यादा है, क्योंकि ये इसमें आकर्षित हुआ है, तो ये कंडीशन आती है पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक के लिए। अब हम बात करते हैं कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसकी क्या सार्थकता है या हम क्या मेजर कर पाते हैं, वो है काई स्पेसिफिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम के बाई रो यानी डेंसिटी, रो यहाँ क्या है डेंसिटी ऑफ सैंपल। अब ये जो काई है इसकी कई फॉर्म्स होती हैं, जब हम एटॉमिक ग्राम वाली बात करते हैं एटॉमिक ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो हम इसको एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जब हमें मोलर ग्राम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी चाहिए तो हम उसको मोलिकुलर वेट से, और आयनिक वाली चाहिए तो आयनिक वेट से मल्टीप्लाई
कर देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।